क्षेत्रों में मेडिकल उपकरण खरीदने की बात सामने आई है, क्या हमने कुछ इस मामले में जांच की है, क्या तथ्य सामने ये चीज हम लोगों के संज्ञान में आप ही मीडिया बंधुओं किसी के माध्यम से मेरे संज्ञान में लगभग 10 दिन पहले आ गई थी बात ये। और यहाँ 5 बॉटलिंग प्लांट वाले हैं जो ऑक्सीजन की बॉटलिंग करते हैं, क्योंकि ये चीज़ जो संज्ञान में आई थी जिस भी मीडिया बंधु ने मुझे बताई थी मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी ये। और इसमें हम लोगों ने तत्काल जो 5 बॉटलिंग प्लांट वाले हैं उनके नंबर लिए, उनसे व्यक्तिगत बात की कि ये उनके डीलर्स कितने हैं, तो मालूम पड़ा कि 50 डीलर्स हैं जो ये काम जो ये ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है जो एक समाचार पत्र में छपी थी, कुछ जगह पे कोई व्यक्ति एक बिचौलिया व्यक्ति था जो ये डीलर से सामंजस्य रख करके सिलेंडर्स दे रहा था वहाँ पर। हम लोगों के लिए पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए बहुत महत्वपूर्ण था कि हम लोगों की जो सर्वे की टीम लगी हुई थी और सारे दल लगे थे, उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि हाई रिस्क केसेस को या जो इससे कोरोना के पॉजिटिव जो सिम्टोमेटिक केसेस हैं उनका हमको हम आइडेंटिफाई कर सकें, उनको हम बस्तियों से निकाल करके अस्पताल में ट्रीटमेंट कर सकें, क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, लंग्स ज़्यादा ख़राब होते हैं, तो फिर आपको वेंटिलेटर और बाईपास भी काम नहीं करते हैं फिर। तो ये चीज़ हम लोगों के इस काम में बाधा उत्पन्न कर रही थी। तो लगभग वो जैसे ही हमने जांच करनी शुरू की, बिचौलियों को अभी भी हम लोग खोज रहे हैं कौन है बिचौलिया। आपके माध्यम से कोई अगर मुझे ये सूचना दे सके कौन वो एक व्यक्ति था बिचौलिया जिसकी गाड़ी नंबर भी मेरे को आधा अधूरा आया था, कंफर्म ही आया था, जो ये विशेष क्षेत्र विशेषों में सिलेंडर सप्लाई कर रहा था, तो उसको हम लोग अरेस्ट करके पूछताछ करेंगे उससे। पर उससे फ़ायदा ये हुआ जाँच करने से हम लोगों की कि 7-8 दिन पहले जो भी सिलेंडर मुस्लिम बस्ती में गए थे उसी बिचौलिए ने वापस लेना शुरू कर दी, जो मुझे फीडबैक आया है। तो उससे फिर फ़ायदा ये हुआ था कि जो अन्य गरीब जो थे इस तरह की चीज़ों में जो ये आधा अधूरा और मेडिकली गलत इलाज कर रहे थे अपना, वो निकल के बाहर आए, उनको अस्पतालों में एडमिट किया, काफ़ी संख्या में लोग आए थे अस्पतालों में, तो उससे बहुत ज़्यादा ये जो हमारे मोहल्लों को स्टेबल करने में हेल्प भी मिली। हम तो ऑलरेडी हम लोगों ने जाँच की है सबकी, बस बिचौलिया का नाम मिल जाएगा तो उसके अलावा और कार्रवाई कर देंगे।